everybody, कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. तो बेटा एज प्रॉमिस्ड अब हम 11th के वो टॉपिक्स देख लेंगे जो हम 12th के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए. आप 12th और 11th पूरे तरीके से आप रिविजन कर चुके हो. मुझे लगता है आप 4 टाइम्स मिनिमम पूरा रिविजन कर चुके हो. हैंड बुक से आनंद सर के साथ रिविजन कर चुके हो, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन से मेरे साथ रिविजन कर चुके हो. तो 12th का आप लोगों ने ऑल इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड डायग्राम देख लिया था. 11th का हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाला पोर्शन रह गया था, तो उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं तो 11th में साइंटिस्ट कम है या एक ही साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है बार बार, है ना. तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट आपके पास कम आएंगे सिवाय प्लांट फिजियोलॉजी के. एक एक करके यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर सारे साइंटिस्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, तो शुरू करेंगे पहले यूनिट 1 से. यूनिट 1 में आपके पास क्या आ रहा है? आप सारे साइंटिस्ट देखने वाले हो, है ना. तो यूनिट 1 में आपके पास क्या है? लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और आपके पास प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आ गया, है ना. तो एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आपके पास है नहीं, पर पहले तीनों चैप्टर्स में है तो उनको हम फटाफट से देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा. फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी में आप बात करते हो आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं जो किसने दिया था? कैरोलस लिनस. लिनस चाचा ने दिया था, हमको याद रखना है बहुत अच्छे से. इनका नाम बहुत बार आया है. नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट हम इनको देते हैं क्योंकि इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, सिस्टमा नेचुरा एंड स्पीशीज प्लांट थ्योरम, जिसमें इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स का नामकरण कर दिया था. इसीलिए हम पूरा क्रेडिट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कैरोलस लिनियस को देते हैं. तो लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है. किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नाम है इनका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी नाम है इनका. 2 बुक्स भी लिखी थी इन्होंने, बार बार इनका नाम आएगा तो अच्छे से याद रखना. ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस याद रखेंगे हम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे देखते हैं किसकी बात हो रही है? अर्न्स्ट मेयर की. अब ये वो पैराग्राफ है बेटा जो आपको इनिशियल में मिल जाता है यूनिट 1 के. ठीक है, वो वहीं पर स्टार्टिंग में आपको दे रखा है. और इसके अंदर उन्होंने क्या रिसर्च की थी, कहाँ कहाँ काम किया था, ये सब हमको याद नहीं रखना. तो मैं इसको कट कर रही हूँ आपके लिए. ये सब आपको याद नहीं रखना है. आपको क्या याद रखना है कि अर्न्स्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं. ये आपको याद रखना है. अर्न्स्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं. बस ये आपको याद रखना है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अर्न्स्ट मेयर वैसे हमने क्या पढ़ा, इन्होंने क्या दिया था? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था. स्पीशीज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है कि देयर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज. मतलब एक स्पीशीज सेम स्पीशीज के मेंबर से ही रिप्रोडक्शन कर सकती है, एक अलग स्पीशीज से नेचुरली रिप्रोड्यूस या मेटिंग नहीं कर सकती. ये कॉन्सेप्ट अर्न्स्ट मेयर ने दिया था. 2 चीजें आप याद रखेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी आप अर्न्स्ट मेयर को कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए. आगे देखिए, एरिस्टोटल की बात हो रही है. अब आप आ गए हैं 2nd चैप्टर पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे. तो जब हम अलग अलग किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो पहले हम अपने यूजेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते थे. पहली बार किसी ने अगर साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का तो वो एरिस्टोटल थे. ये एक साथ आना चाहिए ये वर्ड, ये मोर होगा बेटा. पहली बार कोई साइंटिफिक बेसिस अगर किसी ने दिया था तो एरिस्टोटल ने दिया था. एरिस्टोटल ने ट्रीज को हाइट्स के बेसिस पर क्लासीफाई करने की कोशिश की थी एज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब. सबसे छोटी हाइट वाले हर्ब्स, उनसे बड़े श्रब्स, उनसे बड़े ट्रीज. हाइट के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने करने की कोशिश की थी. तो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस यही लाए थे. उसके बाद अलग अलग किंगडम क्लासिफिकेशन आया था. आगे देखिए जरा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टाइम में आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, पर शुरुआत क्लासिफिकेशन की 2 किंगडम से हुई थी. तो याद रखना इसको अलग अलग, इसलिए मैं मार्क कर रही हूँ. 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिया था फिर से कैरोलस लिनियस ने. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया आपको लिनियस ने. 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया आपको लिनियस ने. यहीं पर आप बाकी सिस्टम भी लिख लीजिए बेटा. 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिया था हैकल ने. और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम आपको दिया था कोपलैंड ने. इन दोनों का नाम याद रखना. 3 किंगडम आपको दिया था हैकल ने, 4 किंगडम आपको दिया था कॉपलैंड में. इनको याद रखेंगे. आगे देखिए, आगे देखिए. अब ये बुक्स आ गई आपके पास. ये बुक्स जो मैं बता रही थी, जो लिखी थी किसने? कैरोलस लिनियस ने. एक बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम और एक का नाम था सिस्टमा नेचुरी. इन बुक्स के अंदर लिनियस ने क्या किया था? नोमेनक्लेचर ही किया था. आप नाम से देख सकते हो, यहाँ प्लांटेरम लिखा हुआ है, तो यहाँ इन्होंने प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया था. किसका नोमेनक्लेचर किया था इस बुक में? प्लांट्स का. और लगभग लगभग 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया था। सिस्टमा नेचुरा में इन्होंने एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया था और एनिमल्स इन्होंने 4326 के करीब। तो देखो 4000 5000 इन्होंने एनिमल्स, 6000 प्लांट्स और लगभग 4.3 के एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया। और क्योंकि इतना नामकरण कर चुके थे इसलिए हम नोमेनक्लेचर का क्रेडिट कैरोलस लिनियस को ही देते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग में दो तरीके का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। एक दिया है आर्टिफिशियल सिस्टम, एक दिया है नेचुरल सिस्टम। हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे ऑर्गेनिज्म को। पहले हम सिर्फ मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते थे बेटा, उसको बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम। ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, यहाँ लिखा नहीं हुआ। ये आर्टिफिशियल सिस्टम आपको किसने दिया था? ये आर्टिफिशियल सिस्टम आपको लीनियस नहीं दिया था। फिर से हमारे पास लीनियस का नाम आ गया। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी कैरोलस लीनियस का ही नाम लिखती है। इन्होंने ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ये सिर्फ सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखते थे, सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए, जैसे अगर कोई प्लांट आप देख रहे हो तो कितनी लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स है ना, एज ऑफ लीव्स, कलर्स ऑफ लीव्स, ये सब आपने देख लिया। तो सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते थे मेजरली वेजिटेटिव कैरेक्टर ही देखते थे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक बराबर मानते थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक जैसा ही कंसिडर करते थे, एक जैसे ही इंपॉर्टेंस देते थे। इसकी वजह से कभी कभी कोई दो ऑर्गेनिज्म जिनमें एफिनिटीज ज्यादा है फिर भी आप उनको अलग अलग रख देते थे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कोई खास वेटेज दी नहीं, उनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ही बराबर माना। इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रखता। पर ये सिस्टम दिया किसने था? ये सिस्टम आपको लीनियस ने दिया था। फिर उसके बाद आया आपके पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके लिए आप कौन से साइंटिस्ट याद रखेंगे? बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। आप चाहे डेट मत याद रखना, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर इन दोनों ने आपको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये किस पर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेचुरल एफिनिटीज among organisms। तो ये natural affinities पर बेस्ड था। प्लस इसके अंदर सिर्फ morphological features नहीं थे, इसके अंदर आपने internal features भी काउंट किए थे। इसके अंदर characterization के लिए external plus internal features को भी ध्यान में रखा गया था। internal features जैसे कि आपके पास आ गए anatomy, embryology, ये सब, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड हुआ था नेचुरल सिस्टम जो दिया था बेंथम एंड हुकर ने, आर्टिफिशियल सिस्टम जो दिया था लीनियस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी लीनियस ने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम भी लीनियस ने दिया था। थ्री किंगडम और फोर किंगडम हमने याद कर ही लिया है। थ्री किंगडम फोर किंगडम के लिए अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ, जिससे जब भी मैं पढ़ाती हूँ इसी लाइन से बच्चों को याद करवाती हूँ बेटा। इट इज 3 हैक्स फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस। बहुत छोटी सी लाइन है 3 हैक्स फॉर कॉपिंग विद स्ट्रेस। तो 3 किंगडम हैकल ने दिया था, 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था। याद रह जाता है, आप मिक्स मैच नहीं करते एटलीस्ट, क्योंकि 2 किंगडम तो हम सबको याद रह जाता है लीनियस, और 5 किंगडम भी हमको याद रह जाता है विटिकर, वो बार बार आता भी है। 3 और 4 हम भूल जाते हैं, तो इस लाइन से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा, आगे देखते हैं। नेचुरल सिस्टम हमने देख लिया। 5 किंगडम आपको पता है बेटा, 5 किंगडम किसने दिया था? विटिकर ने दिया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में भी आया है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना। आरएच विटिकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आगे देखिए जरा, agent of the mosaic disease of tobacco is recognized in extract of tobacco plant by Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky discovered virus, it means venom or poisonous fluid। अब हम वायरस पे आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट में जो वायरस वाला टॉपिक है उसमें 4 साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया हुआ है। 3 वायरस से रिलेटेड है, 1 वायरोइड से रिलेटेड है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर में इनसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में इनसे क्वेश्चन है, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस हैं। तो ढंग से सुन लो बेटा। जब टबैको मोज़ेक डिसीज हो रही थी तो उस इन्फेक्शन को निकाल के स्टडी किया गया था। वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गया था, मतलब कुछ तो ऐसा था जो बैक्टीरिया से भी साइज में छोटा है, तभी वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी पास हो गया था। वहां से वायरस की डिस्कवरी हुई जो इवानोव्स्की ने की, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? इवानोव्स्की ने क्या किया, हमको क्या याद रखना है? इवानोव्स्की ने क्या किया? वायरस की डिस्कवरी। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, टबैको मोज़ेक वायरस जो टबैको मोज़ेक डिसीज कर रहा था प्लांट में, उससे डिस्कवर किया। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना, ठीक है, यहाँ से डिस्कवरी हुई और इन्होंने वायरस की डिस्कवरी करी बस, ठीक है। वायरस के ऊपर और ज्यादा स्टडी करना उसके बाद, और एक टर्म देना, एक स्टेटमेंट देना विच इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, वो किया था M.W. बेजेरिनेक ने। ये एग्जाम्पलर में आया है, हमने सॉल्व भी किया है ना। ये किसने बताया आपको? M.W. बेजेरिनेक ने। देखो उन्होंने वही टबैको प्लांट जिसको डिसीज हो रही थी उससे एक्सट्रैक्ट किया उस इन्फेक्शियस फ्लूइड को और किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर किया तो उस प्लांट को डिसीज हो गई। तो इन्होंने कहा इस फ्लूइड में इन्फेक्शन कैरी हो रहा है। तो इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी वो थी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और किसने दी थी ये? M.W. बेजेरिनेक ने। ऑल्सो एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ, जो टर्म है ना वायरस, जो नाम है वायरस वो भी इन्होंने दिया था, जो टर्म वायरस है वो भी इन्होंने दिया था, बेजेरिनेक नहीं दिया था। जो टर्म वायरस है वो भी आपको बेजेरिनेक नहीं दिया था, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी? इवानोव्स्की ने। टर्म किसने दिया था? बेजेरिनेक ने। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। उसके बाद वायरस को लेकर अभी तक हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये डिबेट अभी तक चल रही है, हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। लेकिन वायरस एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक होस्ट के अंदर लिविंग रहता है, बाहर वो क्रिस्टल की फॉर्म में, बाहर उसके पास एक प्रोटीन है। तो पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज करने का जो काम था, इन्होंने क्रिस्टल की फॉर्म में उन प्रोटीन कोटिंग को ऑब्टेन किया था। जो उनको क्रिस्टल्स मिले थे उनमें मेजरली प्रोटीन था। किसको मिले थे ये? स्टैनली। तो ये तीसरे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, स्टैनली। फिर से देख लो एक बार, तीन साइंटिस्ट आपके इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया। ये जो टर्म है वायरस ये आपको दी बेजेरिनेक ने। उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम करके भी एक टर्म यूज की थी। और उसके बाद आपके पास आ रहे हैं स्टैनली जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। वायरस में ये तीन साइंटिस्ट ही थे। एक और साइंटिस्ट है बेटा जो वायरोइड से रिलेटेड है। वायरोइड का क्या मतलब होता है? वायरस लाइक। इस ओइड वर्ड का मतलब होता है वायरस लाइक। इस ओइड वर्ड का मतलब होता है वायरस लाइक। तो इसके अंदर क्या था? वायरस और वायरोइड में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि वायरोइड में आरएनए है पर प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। एक लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है जो फ्री है, उस पर कोई भी प्रोटीन नहीं है। वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी टीओ टीनर ने। जीनर ने डिस्कवरी की थी वायरोइड्स की। याद रखेंगे हम ये सारे। उसके बाद देखिए आपके पास आ रही है कैथरीन साओ। आप यूनिट 2 पर एंट्री कर चुके हो जिसमें मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और टिश्यू, ये तीन आते हैं आपके पास। तो इसकी स्टार्टिंग में, इस यूनिट की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम दिया है विच इज कैथरीन साओ, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ इनकी पूरी डिटेल, ये कहाँ पढ़ी कहाँ नहीं पढ़ी, इससे आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। एक चीज बस आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि इन्होंने ये देख लिया था कि वायरस का स्प्रेड फ्लोएम से हो रहा है। इनकी एनाटॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कैथरीन साओ का। एनाटॉमी से रिलेटेड इनका कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने ये देखा था कि वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है प्लांट के अंदर वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू उसका स्प्रेड हो रहा है। बस उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैथरीन साओ नहीं है, ठीक है। अब अपने यूनिट 2 बिगिन करने वाले, सारे साइंटिस्ट देखने वाले। उससे पहले मैं चाह रही हूँ हम यूनिट 1 फटाफट से रिवाइज कर ले। यूनिट 1 में हमें एक नाम देखने को मिला लिनेस का। लिनेस ने हमें नॉमेनक्लेचर दिया। लिनेस ने 2 बुक्स लिखी, स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुरा। लिनेस ने हमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। लिनेस ने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये सारे काम लिनेस के थे। उसके सिवा आपने क्या देखा? 3 किंगडम हैकल ने दिया, 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया, 5 किंगडम विटेकर ने दिया। जहां आपको 5 किंगडम विटेकर ने दिया बताया बेटा, वहां एक 6 किंगडम के बारे में भी लिख लो, वहां पर एक 6 किंगडम के बारे में भी लिख लो। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था कार्ल वूस। कार्ल वूस। या तो आपसे पूछा जाए 6 किंगडम, या आपसे पूछा जाएगा 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था। तो 3 डोमेन सिस्टम भी बेटा कार्ल वूस ने दिया था। इनकी 3 डोमेन कौन कौन सी थी? इनकी 3 डोमेन में एक आता है आपके पास आर्की, एक आता है आपके पास बैक्टीरिया और एक आता है आपके पास यूकैरिया। ये 3 डोमेन थी बेटा। आर्की में ये इंक्लूड करते थे आर्की बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के अंदर ही इंक्लूड करते थे बाकी एक्चुअल ट्रू बैक्टीरिया को जो आप मोनेरा किंगडम में पढ़ते हो। तो इन्होंने मोनेरा किंगडम को डिवाइड कर दिया था, है ना। मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। आर्की बैक्टीरिया अलग कर दिया था, यू बैक्टीरिया अलग कर दिया था और यूकैरिया में बाकी बची हुई 4 किंगडम ये रखते थे। प्रोटिस्टा आ गया इसके अंदर, फंगस आ गया इसके अंदर यानी कि फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया इसके अंदर और एनिमेलिया आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इनका था। कार्ल वूस भी आप याद रखेंगे। तो हमने 2 किंगडम से लेकर 6 किंगडम तक सारे साइंटिस्ट के नाम याद कर लिए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको लिनेस ने दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ये बात आप याद रखेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसके सिवा बस कुछ वायरस रिलेटेड साइंटिस्ट है, डिस्कवरी इवानोव्स्की, वायरस नाम और कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेजेरनेक का काम था। उसके सिवा क्रिस्टलाइज करना वायरस को स्टैनली ने किया था। वायरोइड्स की डिस्कवरी टीओ डिनर के पास आती है और ये कुछ साइंटिस्ट थे जो पूरे यूनिट 1 में आपके पास थे। अब हम यूनिट 2 पे आ रहे हैं बेटा, तो यूनिट 2 में आपके पास सिर्फ साव है, देखो जो स्टार्टिंग में नाम आ गया, उसके सिवा कोई साइंटिस्ट नहीं है। फिर जो आपके यूनिट 3 है जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स आते हैं आपके पास, उनके साइंटिस्ट स्टार्ट हो गए। तो आपके पास यूनिट 2 में ज्यादा साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। यूनिट 3 में सेल चैप्टर में साइंटिस्ट है। सेल चैप्टर के सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आपके पास यहाँ पर लिखा है एंटन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। वहीं रॉबर्ट हुक, एक और साइंटिस्ट है आपके पास रॉबर्ट हुक, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की थी और एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की थी। आप याद रखना डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने आगे हमारे पास आ गया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फिर आगे आ जाओ इस चैप्टर में, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने एनसीईआरटी लाइंस में भी डिस्कस किया, एग्जाम्पलर में भी किया, बहुत बार किया। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट की मिली भगत थी, दो साइंटिस्ट ने मिलके दी थी। एक आपके पास श्लीडन थे, दूसरे आपके पास श्वान थे। श्लीडन आप जानते हैं बॉटनिस्ट है, ठीक है, और श्वान आप जानते हैं जूलॉजिस्ट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया इस पे कंफ्यूज करने के लिए। 1838 में इनकी स्टेटमेंट आई थी, 1839 में इनकी स्टेटमेंट आई थी। इनका ईयर भी याद रखना। वैसे एक अलग से लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर लेंगे, पर एक बार इनके ईयर्स को आप याद रखना, 1838 और 1839, ठीक है। श्लीडन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने ये देखा कि प्लांट की बॉडी सेल की बनी हुई है, प्लांट की पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल है या उनके प्रोडक्ट्स है, बने हुए टिश्यू है, ऑर्गन है, ठीक है। श्वान ने ये सेम चीज एनिमल में देखी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है, एनिमल में भी सारी की सारी बॉडी सेल या उसके प्रोडक्ट की बनी हुई है। लेकिन श्वान ने कुछ और भी देखा कि एनिमल्स के सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट्स के पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिवा एक और चीज होती है, दैट इज सेल वॉल। ये सारी चीजें श्वान ने देखी थी, ठीक है। अब उसके बाद इतनी सेल थ्योरी उन्होंने दे दी थी कि पूरा ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट्स का बना होता है, लेकिन वो सेल कहां से आता है ये बात उनको नहीं पता था। ये बात उनको किसने बताई, रुडोल्फ विर्च्यू ने। साइंटिस्ट का क्या नाम था, रुडोल्फ विर्च्यू। इन्होंने बताया कि जो नया सेल आता है वो पुराने सेल से ही आता है, कहीं ऊपर से नहीं आ रहा, पुराना सेल ही डिवाइड कर कर नया सेल बनाता है। उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट यूज की, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है कि जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड कर कर आया है, जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड कर कर आया है। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला स्टेटमेंट इन्होंने दी थी और इन्होंने फाइनलाइज किया था सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर कर फाइनलाइज इन्होंने ही किया था। सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर कर फाइनलाइज 1855 में इन्होंने किया था। इन तीनों साइंटिस्ट के आपको डेट्स भी याद रखनी है। श्लीडन हो गए, श्वान हो गए, विर्च्यू हो गया, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। उसके सिवा सेल चैप्टर में नेक्स्ट चीज आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है आपके पास, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। इस मॉडल के बारे में हमें किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1972 सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पूरी चीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनल्स पे आए। ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल आपके पास आया, गोल्गी बॉडी। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने, इसलिए तो इसका नाम गोल्गी बॉडी है। डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्गी ने। इन्होंने क्या देखा, न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के पास है डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या नाम दिया इसको, गोल्गी बॉडीज। क्या नाम दिया इसको, गोल्गी बॉडीज। आगे देखो, गोल्गी बॉडीज के बाद सेकंड साइंटिस्ट जिनका नाम आ रहा है आपके पास वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेड ने, इसीलिए आप जानते हो राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसीलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने की थी। किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने की थी, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको बेसिक डाई से स्टेन किया। बेसिक डाई जैसे बेसिक फ्यूशन हो गया, कार्बन हो गया, ये आपने एग्जाम्पलर्स में याद किए डाइस के नेम, है ना। बेसिक फ्यूजन हो गया, कार्बन हो गया। एक्चुअली बेसिक डाइस जब ये स्टेन कर रहे थे तो स्टेन किसको कर रहे थे, क्रोमेटिन को। इनको वो डीएनए का थ्रेड दिखाई दे रहा था, क्रोमेटिन दिखाई दे रहा था, तो क्रोमेटिन को स्टेन किया था, बेसिक डाइस स्टेन किया था। और वो क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था आपको, फ्लेमिंग ने। ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम फ्लेमिंग ने उस डेंसली स्ट्रीम स्ट्रक्चर को जो बेसिक डाइसिस्टेन हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या नाम दिया था, उस धागे को क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास आ रहे हैं रामचंद्रन। अब रामचंद्रन जी का काम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में था। अगेन ये कहाँ पर है, स्टार्टिंग में इस यूनिट के आपको दे रखा है, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं करनी, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि इन्होंने एक प्लॉट बनाया था जिसे कहते हैं रामचंद्रन प्लॉट। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये PYQ में है, ये आया है, अब बहुत पहले आया है, रिपीट होने के चांसेस कम है, बट है तो एनसीईआरटी से। तो इन्होंने एक प्लॉट बनाया था बेटा, ये प्लॉट एक्चुअली इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट का बना होता है, तो ये प्लॉट था, इसके थ्रू ये प्रोटीन्स के अलग अलग कंफर्मेशन बता देते थे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर, किस तरीके की ओरिएंटेशन में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पहचानने में, उनके कंफर्मेशन पहचानने में रामचंद्रन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं या कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज रामचंद्रन प्लॉट, रामचंद्रन प्लॉट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बहुत डिटेल में आपको याद नहीं रखना। आगे देखो जरा, अब आ गया प्लांट फिजियोलॉजी में। तो पूरे सेल के चैप्टर में आपको 3-4 साइंटिस्ट सेल वाले चैप्टर में मिले थे और एक रामचंद्रन। आपकी 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो गई। 4th यूनिट आपकी 11th की, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि वो सारी डिस्कवरी, उस इक्वेशन तक पहुंचने की, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे साइंटिस्ट का। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो आपके पास आ रहे हैं, हिज नेम इज जोसेफ प्रिस्ली। जोसेफ प्रिस्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। याद है वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक इस तरीके से बेल जार लिया और इसके अंदर इन्होंने चूहा भी रखा और एक प्लांट भी रखा, है ना, सॉरी एक चूहा भी रखा, एक कैंडल भी रखी। कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ गई, चूहा मर गया। दूसरी बार इन्होंने उस कैंडल और उस चूहे के साथ, उस रैट के साथ वहां पर एक प्लांट भी रखा। प्लांट रखने से ना तो चूहा मरा ना कैंडल बुझी। तो इन्होंने ये बोला कि ग्रीन प्लांट कुछ तो ऐसा कर रहा है, उस एयर के अंदर कुछ तो ऐसा कर रहा है जो फाउल एयर को क्लीन कर देता है। आपका चूहा और कैंडल एयर को फाउल बनाता है और प्लांट उसको क्लीन कर देता है, इनको पता नहीं था क्या। उसके कुछ टाइम बाद बेटा ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, तो पता चला वो जो गैस रिलीज हो रही है वो और कुछ नहीं ऑक्सीजन थी। इसीलिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जोसेफ प्रिस्ली को ही जाता है, इन द ईयर 1774। वहीं से ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी हुई थी, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ था। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनका एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1770 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी 1774 में, याद रखना। और ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट और ये कि प्लांट्स कुछ रिलीज करते हैं फाउल एयर को क्लीन करने के लिए, ये दोनों ही बात जोसेफ प्रिस्ली ने बताई थी। जोसेफ प्रिस्ली से पहले भी एक साइंटिस्ट का नाम है, मैं जिनके बारे में यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। पैराग्राफ में इनसे पहले दे रखा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, आधी पत्ती के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और किसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, CO2 की। इन्होंने किसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, CO2 की फोटोसिंथेसिस में, कि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होता। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट उसको फिक्स करता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्टार्च टेस्ट से CO2 की इंपॉर्टेंस बताई थी, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट याद रखना। ठीक है, प्रिस्ली हो गए, मोल हो गए, उसके बाद साइंटिस्ट जिनका नाम आ रहा है आपके पास, जैन इंजिनहाउस। सेम प्रिस्ली वाला एक्सपेरिमेंट, बस उठा के धूप में रख दिया, एक बार डार्क में रख दिया, ये दिखाने के लिए कि बिना लाइट के कुछ काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बताई थी लाइट की इंपॉर्टेंस, कि सनलाइट एसेंशियल है। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताई, हाइड्रिला प्लांट लिया था, एक्वेटिक प्लांट है, तो हाइड्रिला प्लांट वो पानी के अंदर रहता है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, जब तो एयर रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वहां बबल्स बन रहे थे। तो इन्होंने ये भी बताया कि पूरा प्लांट नहीं, उस प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स, उस प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ही मेजरली फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बात भी आपको जैन इंजिनहाउस ने बताई थी कि ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंस आ गया, सनलाइट का भी बताया था, ग्रीन पार्ट का भी बताया था, जैन इंजिनहाउस। जैन इंजिनहाउस के बाद आपके पास आ रहे हैं जूलियस वॉन सैक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन साइंटिस्ट का नाम मिनरल न्यूट्रिशन में भी आता है, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी दी थी। उससे पहले जूलियस वॉन सैक्स का नाम जो आ रहा है वो आपके पास ही आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में बेटा इन्होंने किसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई, कि प्लांट में वो ग्रीन सब्सटेंस क्या है जो फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये सारी बातें, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, वो खाना बनाएगा, खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, स्टार्च के तरीके से स्टोर होगा। ये सारी बातें आपको किसने बताई थी? जूलियस वॉन सैक्स ने बताई थी। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट का नाम आ रहा है? एंगलमैन। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, एंगलमैन। इन्होंने क्या बताया था कि आपके पास विजिबल लाइट है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, बट पूरा का पूरा पार जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है, ये पूरे के पूरे पार में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में अलग अलग फोटोसिंथेसिस होता है। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, बहुत एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। कौन सा एल्गी लिया था? क्लैडोफोरा लिया था, ग्रीन एल्गी, है ना, जो थोड़े मॉइस्चर में, थोड़े पानी में रह लेता है। तो इन्होंने इस तरीके से ग्लास का कंटेनर लिया, इसमें इन्होंने अपना ग्रीन कलर का क्लैडोफोरा लिया। अब क्लैडोफोरा यहाँ पर ग्रो कर रहा था, ठीक है, क्लैडोफोरा ग्रो कर रहा था और यहाँ पर दी लाइट, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट के आगे अगर आप पिरामिड रखोगे, व्हाइट लाइट के आगे अगर आप प्रिज्म रखोगे तो लाइट जो है स्कैटर कर जाएगी, है ना, आपको सारी लाइट स्कैटर कर जाएगी 7 कलर्स में, विबग्योर पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग लाइट की वेवलेंथ में अलग अलग फोटोसिंथेसिस कर रहा था क्लैडोफोरा, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब आपको कैसे पता चले? तो तब इन्होंने यूज किया बेटा एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में ऐड किया एरोबिक बैक्टीरिया। अब जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, और ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तो इन्होंने देखा स्पेशली ब्लू लाइट में और रेड लाइट में जो इनका बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया था तो वो सिर्फ ऑक्सीजन में ग्रो करता था। तो ब्लू और रेड लाइट में वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो किया था, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या बताया था कि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। लाइट को स्प्लिट कर अलग अलग कलर्स में देखा था और आपको ये बात बता दी थी कि ब्लू और रेड लाइट में आपको मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट का नाम T.W एंगलमैन। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन आ रहे हैं साइंटिस्ट? नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आ रहा है आपके पास वैन नील। क्या आ रहा है साइंटिस्ट का नाम आपके पास? वैन नील। वैन नील ने आपको ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो CO2 की स्प्लिटिंग से नहीं, वो वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज हो रहा है। आपको ये बताया गया कि CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए जो H ऐड करना होगा, जो हाइड्रोजन ऐड करना है, वो किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आप लेते हो। कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, कार्बन को फिक्स करता है, और बचा हुआ ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो वाटर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। इन्होंने बैक्टीरिया से इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की थी और ये हाइपोथेसिस दिया था। साइंटिस्ट का नाम वैन नील। बताया क्या था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये काम था वैन नील का। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें। अब आ गए हो आप केल्विन साइकिल पे। फोटोसिंथेसिस में आप केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ते हो। केल्विन साइकिल किसने दी थी? मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने दी थी, इसीलिए उस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको कैसे पता चला कि कार्बन किस तरीके से फिक्स होता है? तो उन्होंने रेडियो एक्टिव C14 यूज किया और पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव C14 वाली CO2 दी और उसको ट्रैक किया प्लांट के अंदर, है ना। किसको यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने एल्गी यूज किया था, सेनेडेस्मस यूज किया था, सेनेडेस्मस एल्गी इन्होंने यूज किया था यहाँ पे। और किसको यूज किया था? क्लोरेला। 2 ग्रीन एल्गी इन्होंने यूज किए थे, एक सेनेडेस्मस और एक क्लोरेला। आपको कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन वाला CO2 देकर पूरा का पूरा ट्रैक किया था और ये बता दिया था कि जब CO2 फिक्स होता है तो जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड बनता है, विच इज 3 PGA। याद आया, IUBP पहला CO2 को फिक्स करता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनाता है। तो ये पूरी ट्रैकिंग जो थी ये करी थी मेल्विन केल्विन ने। एक और साइंटिस्ट आपने देख लिए। फिर C4 पाथवे किसने बताया? हैच एंड स्लैक। इसीलिए तो इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, सिंपल नाम हमें पता है। केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन, C3, C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक पाथवे, इसलिए साइंटिस्ट का नाम भी हैच एंड स्लैक है। सिंपल सिंपल, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ब्लैकमैन, याद है फोटोसिंथेसिस के एंड में इंपॉर्टेंस बता रखा है लाइट का, टेम्परेचर का, है ना, CO2 का, वाटर का। तो अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन, जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने कहा अगर एक प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हो तो उनमें से वो फैक्टर जो ऑप्टिमम नहीं है, जो अपनी ऑप्टिमम से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर उसके साथ छेड़खानी की तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी जिसको कहते हैं, क्योंकि किस साइंटिस्ट ने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ रहे हैं? पीजीआर। अब फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी, लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनमें अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, तो वो हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी में आपके पास कौन कौन से पीजीआर है? जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन के अंदर दो साइंटिस्ट ने देखा था, मूवमेंट देखी थी, ऑक्सीजन की वजह से होने वाले इफेक्ट देखे थे। एक का नाम था चार्ल्स डार्विन, दूसरे का नाम था फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। इन्होंने कैनरी ग्रास पर देखा था, क्या देखा था कि उस कैनरी ग्रास की जो टिप है, जो कॉलियोप्टाइल है, जो प्लूमेल के ऊपर कवरिंग है, वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट मूव करती है। जहां पर भी सोर्स ऑफ लाइट है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो इन्होंने इस कॉलिप्टाइल की टिप से एक्सट्रैक्ट, इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा इस टिप के अंदर है जिसकी वजह से ये मूव करती है। एक्सपेरिमेंट किसने किए? फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन। एक्सपेरिमेंट किसने किए? फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन। लेकिन डिस्कवरी किसने करी? F.W. Went। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी किसने करी? F.W. Went। इन्होंने उस कोलियोप्टाइल की टिप ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। पता था कोलियोप्टाइल टिप में कुछ ऐसा है जो कि बेंडिंग करवाता है, फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया था एक्सपेरिमेंट में, लेकिन एक्चुअली उसको एक्सट्रैक्ट करना और डिस्कवरी करना, उसका क्रेडिट आप किसको देते हो? F.W. Went को ही देते हो, ठीक है। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं कुरोसावा साइंटिस्ट। कुरोसावा साइंटिस्ट ने जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी में मदद की थी। उन्होंने देखा कि राइस है, अचानक से राइस की सीडलिंग बहुत ज्यादा एकदम लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है राइस का क्रॉप, है ना। तो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो, राइस को बहुत ज्यादा लेंथ की जरूरत नहीं है। तो देखा उन्होंने कि पागलों की तरह राइस ग्रो कर रही है, इसलिए इसको फूलिश सीडलिंग डिसीज भी बोलते हैं, इसको बकाने भी बोलते हैं। बाद में पता चला इसकी रूट में कुछ ऐसा फंगस का अटैक है जिसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। वो फंगस आइसोलेट किया, वो निकला जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो वहां से आपको मिला इनका एक्सट्रैक्ट विच वॉज जिब्रेलिन, जो इंटरनोड एलोंगेशन करवा देता है। साइंटिस्ट जिसको हम क्रेडिट देते हैं कुरोसावा, ठीक है, कुरोसावा। उसके बाद आपके पास कौन आ रहे हैं? मिलर। अब स्कूग और मिलर दोनों ही, स्कूग एंड मिलर दोनों को ही आप किसकी डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं? आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी का क्रेडिट स्कूग और मिलर को देते हो। यहाँ पर इन्होंने किसका नाम लिखा है? सिर्फ मिलर का लिखा है, एटोल लिखा है, मतलब उनके सारे कोवर्कर्स जो उनके साथ काम कर रहे थे। तो मिलर ने बेटा साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने के लिए क्रिस्टलाइज किया था एक एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम था काइनेटिन। अब चैप्टर अगर आपने रिवाइज किया हो मेरे साथ तो मैंने आपको बताया है, एक आता है काइनेटिन, दूसरा आपके पास आता है जियाटिन, ठीक है। काइनेटिन जो है वो प्लांट से नहीं ऑब्टेन हुआ था, वो हेरिंग फिश के स्पर्म का DNA ऑटोक्लेव करके उससे आपको काइनेटिन मिला था, पर वो बहुत ज्यादा हाई रेट से साइटोकाइनेसिस करवा रहा था, तो उससे आपको साइटोकाइनिन ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। अच्छा उसके बाद इन्होंने स्कूग का नाम लिख दिया, एक बार मिलर का लिख दिया, एक बार स्कूग का लिख दिया, दोनों को मिलकर ही आप क्रेडिट देते हो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी का। लेकिन जो काइनेटिन आपके पास है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्कूग ने ऑब्टेन किया वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट थे। प्लांट से जो आपको साइटोकाइनिन की फॉर्म ऑब्टेन होती है उसका आप नाम याद रख सकते हो जियाटिन। जियाटिन आपको मिला है जियामेज से, जियाटिन आपको मिला है जियामेज से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही देखा, इंटरनोडल एलोंगेशन हो रहा है टबैको स्टेम का, कैलस प्रोलिफरेट ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सिन न्यूट्रिएंट मीडियम वो सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कैलस की फॉर्मेशन के लिए आपको ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन चाहिए, तो इन्होंने देखा सिर्फ ऑक्सिन से नहीं हो रहा, उसमें आपको ऐड करना पड़ रहा है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन एक्सट्रैक्ट के लिए इन्होंने क्या क्या यूज किया? कभी यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कभी ईस्ट एक्सट्रैक्ट, DNA, कॉटन मिल्क, ये DNA हेरिंग स्पर्म वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, DNA, कॉटन, कोकोनट मिल्क, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर आपके पास साइटोकाइनिन ही है, ठीक है। तो ये नेचुरल प्लांट के ऑब्टेन किए होंगे, और जो काइनेटिन था वो प्लांट ऑब्टेन नहीं था। उसके बाद देखें जरा कजन्स को किसके डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है, इथाइल। इन्होंने देखा कि राइपेंड ऑरेंजेस में से कुछ ऐसा रिलीज हो रहा है जो बनाना की राइपनिंग हेस्टन कर दे रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहा है बनाना की राइपनिंग की। तो वो जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ, जो कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, दैट वाज इथाइलिन। तो कजन्स ने इथाइलिन की डिस्कवरी करी। उसके बाद आपके पास आ रहा है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपने एक टेक्निक पढ़ी कि आप बिना सॉइल के भी एक प्लांट को ग्रो कर सकते हो, सिर्फ इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन उसको देके, चाहे आप पानी में मिक्स कर दे दो, ठीक है, सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, जो जूलियस वॉन सैश ने हमें दी। जूलियस वॉन सैश का क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फोटोसिंथेसिस में भी है। वहां पर उन्होंने हमें बताया कि क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनता है जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ये सारी बातें आपको जूलियस वॉन सैश ने बताई, ठीक है। अब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे, याद है EMP पाथवे क्यों? क्योंकि तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर आपको इसके बारे में बताया था, गुस्टव एम्बटन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। तो एम्बटन, मेयरहोफ और पार्नस ये तीन साइंटिस्ट थे, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं, EMP पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद देखो अल्फोंसो कोटाई। अब अगेन ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू होने से पहले जो पैराग्राफ है वहां पर इंसाइटिस के बारे में आपको बताया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने क्या रिसर्च करी आपको नहीं जानना, पर कोटाई से कुछ सुना सुना लग रहा है। ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो आपने अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, लास्ट में आप आई और ईयर के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर आपने ईयर का एक डायग्राम देखा होगा जिसके अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको कोक्लिया दिखा रखा है। तो इस तरीके से तीन सेक्शन आपके पास है वहां पे, है ना। इधर इसको क्या बोला है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है स्केला मीडिया और यहाँ पर आपके पास है स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई, इसकी मेम्ब्रेन जो यहाँ पर है स्केला मीडिया की, इसको आप क्या बोलते हो, बेसलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो, बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोटाई, जिसपे हेयर सेल्स प्रेजेंट है जो इंफॉर्मेशन फिर यहाँ से ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास लेकर जाते हैं। तो ये कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होने वाला ऑर्गन जिस पर हेयर सेल्स है, जो एक्चुअली साउंड वेव्स को रिसीव कर ब्रेन तक लेके जाएगा। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में ये हेयर सेल्स का होना जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, ये सारी डिस्कवरी, ये ढूंढना, पूरा क्रेडिट किसके पास है, अल्फोंसो कोटाई के पास है। तो नाम से आप सीधा सीधा मैच कर लोगे अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है तो, ठीक है। उसके बाद देखो तो देखो प्यूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास कोई बहुत ज्यादा साइंटिस्ट नहीं थे। साइंटिस्ट अगर आपके पास आए, कुछ प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आ गए। सेल में 4-5 साइंटिस्ट के नेम थोड़े से ज्यादा है, वहां आपको ईयर और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखने हैं, ठीक है। तो आई एम होपिंग की बहुत ज्यादा नाम तो जो चीज उन्होंने डिस्कवरी करी उसी के नाम के बेसिस पर है, जैसे ऑर्गन ऑफ कोटाई, अल्फोंसो कोटाई आ गया आपके पास, है ना। जॉर्ज पैलेड ने पैलेड पार्टिकल की डिस्कवरी करी, कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी करी। तो बहुत ज्यादा तो सीधे सीधे नाम आ जाते हैं। लीनियस ने 4-5 काम कर रखे हैं, तो एक साइंटिस्ट बहुत सारे काम आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस में जो साइंटिस्ट का नाम और कंट्रीब्यूशन है वो प्लीज अच्छे से याद रखना। अगर मैं फटाफट आपको अभी भी यूँ रिवाइज करवाऊँ तो प्रिस्ली ने हमें किसकी इंपॉर्टेंस बताई, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। CO2 की इंपॉर्टेंस, मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। इंजनहाउस ने हमें लाइट की इंपॉर्टेंस भी बताई और ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता है ये भी बताया। फिर आपके पास जूलियस वॉन सैश आए जिन्होंने क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस बताई। फिर आपके पास एंगलमैन आए जिन्होंने आपको बताया अलग अलग वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग होता है। फिर वैन नील आए जिन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो CO2 से नहीं वाटर से हो रहा है। तो खुद बेटा बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो बिना देखे, आपके दिमाग में वो पिक्चर छप जाएगी। अच्छा मैंने NCERT में ये चीज यहाँ पढ़ी थी, अच्छा मैंने NCERT में ये चीज यहाँ पढ़ी थी। मल्टीपल रिविजन इज द सोल्यूशन, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 1-2 बार से नहीं होता अगर पहले नहीं कर रखा तो, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, दिमाग में चीजें छपती जाएंगी, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो, है ना। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अगर सारे साइंटिस्ट साथ में कर लिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना साइंटिस्ट डन, कमेंट सेक्शन में लिख देना साइंटिस्ट डन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी 11th के फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और नीट 2023 तो फोड़ना है इस पर हमने, है ना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।